9/11 के अटैक के कुछ दिन बाद एक कंपनी जिनका ऑफिस न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज और कुछ एग्जीक्यूटिव्स को जो उस दिन किसी कारणवश उस हादसे से बच गए थे, उन्हें इनवाइट किया और अपने एक्सपीरियंस से सबके साथ शेयर करने के लिए कहा। और जिन कारणों से वो लोग बचे थे वो कुछ ऐसे थे। कंपनी के डायरेक्टर लेट हुए क्योंकि उस दिन उनके बच्चे का किंडरगार्टन का पहला दिन था। एक महिला लेट हुई क्योंकि वो सही वक्त पर अलार्म नहीं सुन सकी। एक कर्मचारी लेट हुआ क्योंकि किसी रोड एक्सीडेंट के कारण ट्रैफिक जाम हो गया था और वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंच पाया। किसी की बस छूट गई, किसी के कपड़े पर खाने का दाग पड़ गया और वो लेट हो गया, तो किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, किसी का बेबी डिलीवर्ड हुआ तो किसी की कैब लेट हुई। और एक तो ऐसे थे जनाब कि उनका कारण था कि उनके नए जूतों की वजह से पांव में छाले पड़ गए थे और वो बैंडेड लेते वक्त लेट हो गए और आज वो शख्स जिंदा है। तो अब जब कभी मैं ट्रैफिक में अटक जाता हूं या फिर लिफ्ट मिस हो जाती है या कहीं ऐसे फंस जाता हूं जो मुझे काफी परेशान करे, तो मैं खुद से यही कहता हूं कि रिलैक्स, दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस यू शुड बी। और आप में से भी कुछ लोगों से, बल्कि सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी गाड़ी की चाबी ना मिले, बच्चे रेडी ना हो, टाइम पर नहीं पहुंच रहे हो, तो सिग्नल मत तोड़िए, अपने को संतुलित रखिए, गुस्सा या फ्रस्ट्रेट ना होइए, क्योंकि यू आर इन द राइट प्लेस एट द एग्जैक्ट।